नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय मित्तल, मित्तल स्किन हेयर लेजर एवं कॉस्मेटिक क्लिनिक से। आज हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। अभी कुछ समय पहले ही हमने क्लिनिक पे एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट के लिए, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के लिए मशीन इंस्टॉल करवाई है, जो हाइफू मशीन है, जिससे जो लटकती हुई स्किन है अबव 50 की एज में, अबव 40 की एज में, जिनकी स्किन लूज हो गई है, जिनकी स्किन सैगिंग कर रही है, चमड़ी लटक रही है या स्किन डल लग रही है या रिंकल्स या सुपरफिशियल रिंकल्स है, उन क्लाइंट्स में, उन पेशेंट्स में ये हाइफू ट्रीटमेंट बहुत ही कारगर है। जो क्लाइंट इंजेक्शन से डरते हैं या बहुत बार इंजेक्शन का ट्रीटमेंट करवा चुके हैं या बहुत बार अलग अलग तरह के फेशियल करवा चुके हैं या कोई भी फॉरेन बॉडी अंदर चमड़ी में लगवाने से डरते हैं एंटी एजिंग पर्पज के लिए, उन क्लाइंट्स में ये मशीन बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी पेन के और बिना ब्लड के बहुत ही कारगर है, बहुत इफेक्टिव है। इसमें इमीडिएट इफेक्ट आपको देखने को मिलता है और करने के 6 हफ्ते तक इसमें आपकी स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट आने शुरू होते हैं और एक बार कराने के बाद इसका रिजल्ट बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करता है। ये एक लंच टाइम प्रोसीजर है, जिसे आप ऑफिस प्रोसीजर भी कह सकते हैं, जो आप ओपीडी में आके आधा घंटा घंटा में जाके करा सकते हैं, जो आपको कोई मेकआउट भी नहीं कर सकता। बाहर जब भी आप जाएंगे ये विजिबल चेंजेस नहीं दिखेंगे, रेडनेस, डिस्कम्फर्ट, डाउन टाइम बिल्कुल नहीं होगा। आपकी नॉर्मल स्किन जैसे आपने करवाया था वैसे ही इसका करवाने के बाद में रहने वाला है। तो जनरली पेशेंट्स का ये रहता है कि इसमें करवाने के बाद में रेडनेस या इरिटेशन या कुछ दाने नहीं दिखने चाहिए। ये एक ऐसी प्रोसीजर है जो असरकारक तो है ही, लेकिन इसको करवाने के बाद में कोई भी आफ्टर इफेक्ट और पोस्ट प्रोसीजर दाने, रेडनेस, इदमा, ये कुछ भी नहीं दिखता है। इसलिए लूज स्किन में, लटकती हुई स्किन में ये बहुत कारगर साबित होता है। जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होते हैं वो चमड़ी की ऊपर की लेयर पे काम करते हैं, ऊपर की लेयर को ठीक करते हैं। अंदर की साइड में जो गहरी चमड़ी है अपने, जिसे हम कोलेजन, जहाँ कोलेजन होता है, जहाँ डीप डर्मिस होता है, वहाँ पे काम करने के लिए इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन कुछ पेशेंट्स इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट से डरते हैं या कराना नहीं चाहते हैं, उन पेशेंट्स के लिए ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसमें आप उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे बिस्तर पे अगर बेडशीट में सलवट आ रही है और गड़बड़ बेडशीट में ना हो, अंदर गद्दे में हो और गद्दे के फोम में हो, तो आप फोम करेक्ट करेंगे तो बेडशीट अपने आप जो सलवट है दूर होगी, ना कि आप बार बार सलवटों को मैन्युअली ठीक करेंगे। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम स्किन में जो आपके कोलेजन है, स्किन में जो कोलेजन रूपी फोम है, उसको रीमॉडल करते हैं, उसको ठीक करते हैं और बिना दर्द के करते हैं। उसका रिजल्ट इंस्टेंट भी देखने को मिलता है और 6 हफ्ते बाद में इसका रिजल्ट और ज़्यादा देखने को मिलता है। ये प्रोसीजर अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो राजस्थान में पहली मशीन हमारे क्लिनिक पे इंस्टॉल करवाई गई है, पेशेंट्स की काफ़ी डिमांड थी कि वो इंजेक्शन से फियरफुल रहते हैं, कोई भी थ्रेड से फियरफुल रहते हैं, इसलिए उनको ऐसी टेक्निक चाहिए थी जो नॉन इन्वेजिव हो, जिसमें कोई भी पियर्सिंग ना हो, कोई भी निडलिंग नहीं हो, कोई भी पेन ना हो। इस पर्पज के लिए ये मशीन को इंस्टॉल करवाया गया है। तो जिन भी पेशेंट्स में लटकती हुई स्किन हो, उम्र बहुत ज़्यादा लग रही हो, सब टोकते हो कि आपके झुर्रियाँ जैसी हो रही है, चमड़ी एकदम ढीली पड़ गई है, चमड़ी लटक गई है, सैगिंग हो गई है स्किन की, या डबल चिन है जिनके डबल फैट है, यहाँ पे फैट भी हो, या जो जॉ लाइंस है वो प्रॉपर ना हो, उन पेशेंट के लिए मशीन बहुत इफेक्टिव है। इसका 1 साल में 2 या 3 सेशंस होते हैं और बहुत कारगर होता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप स्किन स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं और हमारे को क्लिनिक पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।